Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Balaji mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp on my channel. So please go through WhatsApp on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. So friends, start करते हैं आज का topic. तो आज का topic है respiratory system of frog. यानी आज हम frog के respiratory system के बारे में discuss करेंगे कि frog कैसे respiration करता है, जब land पे होता है तो कैसे respiration करता है, जब ये underground होता है तो कैसे respiration करता है, जब water में होता है तो कैसे respiration करता है, यानी frog पानी कभी पीता है या नहीं पीता है. Each and everything we discuss in this particular video. So I hope you all enjoy this video. So let's stop the wasting any time. So first we read for it in NCERT textbook. After that elaborate simple and easy manner. So let's start. Frog respire on land. यानी जो फ्रॉग लैंड में होता है तो वो कैसे रिस्पायर करता है, और जब वो वाटर में होता है तो कैसे रिस्पायर करता है, दोनों का मेथड अलग अलग है. तो देखते हैं हम टेस्ट में क्या लिखा होगा. एनसीईआरटी के फ्रॉग रिस्पायर लैंड एंड वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड. यानी जो फ्रॉग होगा वो लैंड में और वाटर में, यानी लैंड मतलब जमीन में धरती में और वाटर यानी पानी के अंदर, दो डिफरेंट मेथड से रिस्पायरेशन करता है. वो कौन कौन से डिफरेंट मेथड हैं देखते हैं. जब वाटर में होता है, जो वाटर में होगा फ्रॉग, तो वो क्या करेगा, उसकी जो स्किन होगी यानी इसकी जो चमड़ी होगी वो एक्ट करेगी. कैसे एक्ट करेगी, एक्ट एज ए एक्वाटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन, यानी एक्वाटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरीके उसकी स्किन एक्ट करेगी, यानी काम करेगी. कब, जब वो कहाँ पर होगा, वाटर पर. जब कहाँ पर होगा फ्रॉग, वाटर के अंदर होगा, तो उसकी स्किन एक्वाटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन के तरीके काम करेगी, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्यूटोनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं. क्यूटोनियस का मतलब क्या होता है, हमारी स्किन. क्यूटोनियस जो वर्ड है स्किन से रिलेटेड है, ठीक है. किसमें, क्यूटोनियस मतलब स्किन, ठीक है. यानी जो वाटर के अंदर होगा तो उसकी स्किन एक्वाटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन के तरीके एक्ट करेगी, जिसको हम क्यूटोनियस रिस्पायरेशन बोलेंगे, ठीक है. ये क्यूटोनियस रिस्पायरेशन जो होता है ना, सारे रिस्पायरेशन चलें ना चलें, ये क्यूटोनियस रिस्पायरेशन होता है, ये परमानेंट होता रहता है. फ्रॉग में जो होगा ये परमानेंट चलता रहता है, परमानेंट होता है क्यूटोनस रिस्पायरेशन, ठीक है. यानी वो लैंड पे हो, वाटर पे हो, अगर ये वाटर के अंदर है तो क्यूटोनस रिस्पायरेशन है, यानी एक्वाटरी रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरीके, ऑर्गन की तरीके स्किन एक्ट करेगी, क्यूटोनस रिस्पायरेशन होगा. बट अगर ये जो लैंड में है तो क्यूटोनस रिस्पायरेशन तो होगा ही, और उसके अलावा भी और तरीके से रिस्पायरेशन करेगा, वो लंग्स के तरीके से, लंग्स से रिस्पायरेशन करेगा, बट क्यूटोनस रिस्पायरेशन भी परमानेंट चलता रहता है. समझ गए होंगे आप, ठीक है. डिजॉल्व ऑक्सीजन, जब भाई वाटर के अंदर है तो वो कैसे, मतलब उसमें जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, कैसे आपको बताता हूँ. जो वाटर, यानी वाटर का जो फार्मूला होता है H2O होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, तो वाटर में जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये डिजॉल्व स्टेज में पाया जाता है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगी वो एक्सचेंज होगी थ्रू स्किन विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है. देखते हैं आगे क्या लिखा है. डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाई डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन का मतलब है, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से चीज़ें डिफ्यूज होती हैं, ठीक है. स्किन के थ्रू डिफ्यूज होगी. डिफ्यूजन का मतलब है यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है, यानी सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है. इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आगे देखते हैं क्या है. जब ये वाटर में था तो हमने देखा उसकी स्किन जो थी एक्वाटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन के तरीके यूज कर रही थी. अब इसमें क्या है, आगे इसमें हमको बताया गया, जब वो लैंड पर होता है, जब लैंड पर होता है द बक्कल कैविटी, यानी इसकी मुख गुहा, स्किन, लंग्स, यानी जब उसकी बक्कल कैविटी होगी, स्किन होगा और लंग्स होंगे. मैंने आपको बताया था जो स्किन क्यूटेनियस रिस्पायरेशन तो हमेशा होगा, जब वाटर में हो या वो लैंड पे हो. जब ये लैंड पे होगा तो वक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स एक्ट करेंगे एज ए रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है, एक्ट एज ए रिस्पायरेटरी ऑर्गन. वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन के तरीके क्या करेंगे, एक्ट करेंगे जब वो लैंड पे होगा. कौन कौन सी, स्किन, स्किन एक्ट करेगी, ठीक है, वक्कल कैविटी एक्ट करेगी, वक्कल कैविटी एक्ट करेगी, और लंग्स,
लंग्स, ये तीन चीज़ें जब वो लैंड पे होगा तब ये हेल्प करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरीके। ठीक है, आगे देखते हैं। द रेस्पायरेशन बाई लंग्स इज कॉल पल्मोनरी रेस्पायरेशन। जो रेस्पायरेशन होता है लंग्स के थ्रू होगा तो पल्मोनरी रेस्पायरेशन होगा, स्किन के थ्रू होगा तो उसको क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोलेंगे। ठीक है, जो लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पायरेशन बोलेंगे। द लंग्स आर, लंग्स जो होते हैं वो एक पेयर होते हैं, एक पेयर लंग पाया जाएगा। ठीक है, फिगर में दिखाया गया जो पिंक कलर का था वो लंग्स था इसमें। ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं, एक पेयर लंग्स आ जाएंगे जो कि इलोंगेटेड होंगे, पिंक कलर के होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन। ट्रंक रीजन जो बोला गया है यानी थोरैक्स के रीजन को बोला गया है। इसकी जो बॉडी को डिवाइड किया गया था दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक हेड रीजन जहाँ पे हेड वाला पार्ट आ रहा था और ट्रंक रीजन जहाँ पे जिसको धड़ बोलते हैं, धड़ बोलेंगे तो यानी इसमें थोरैक्स भी आ जाएगा। ठीक है, और थोरैक्स रीजन पे लंग्स पाए जाते हैं, वन पेयर्ड लंग्स होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, याद रखेंगे, है ना। थोरैक्स रीजन पे लंग्स पाए जाएंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, पिंक कलर के होंगे, इलोंगेटेड होंगे, एक पेयर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एयर इंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल, जो माउथ के ऊपर एक नॉस्ट्रिल पाए जा रहे थे, जो माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल पाए जा रहे थे, मैंने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर पे बताया था, यानी इसके मॉर्फोलॉजी वाले वीडियो पे बताया था, माउथ के ऊपर दो नॉस्ट्रिल पाए जा रहे थे। मैंने बोला था नॉस्ट्रिल जो होंगे वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, यानी एयर को अंदर ले जाने में हेल्प करेंगे। तो वही यहाँ पे बताया गया है, जो एयर होती है वो कैसे इंटर होती है, है ना। तो एयर इंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल, एयर जो होगी नॉस्ट्रिल के थ्रू इंटर होगी इंटू द वोकल कैविटी, यानी वोकल कैविटी में, मुख गुहा में, यानी जो एयर होगी वो नॉस्ट्रिल के थ्रू इंटर होगी, उसके बाद वो लंग्स में जाती है, एंड देन लंग्स। वोकल कैविटी से कहाँ जाएगी, एयर लंग्स में जाएगी, यानी नॉस्ट्रिल से एयर इंटर होगी, वोकल कैविटी में जाएगी, वोकल कैविटी से कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था। एस्टिवेशन मतलब बोलते हैं हम लोग इसको समर स्लीप, समर स्लीप। एस्टिवेशन में यस आया और समर में यस आया, यानी एस्टिवेशन का मतलब है जब पीक की पीक यानी बहुत ही पीक समर होगी, यानी बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ेगी, तब ये जो होता है फ्रॉग होता है जमीन के अंदर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, यानी समर स्लीप, यानी गर्मियों के सीजन में जब फ्रॉग जमीन के अंदर चला जाए तो उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, जब तक गर्मियाँ होंगी अपना सीजन पूरा वो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में व्यतीत करेगा। ठीक है, और जो हाइबरनेशन होता है, हाइबरनेशन में क्या आया, बी आया, तो यानी इसमें विंटर, विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइबरनेशन बोलते हैं। विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं, यानी जब बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो फ्रॉग भी अपना अंडरग्राउंड हो जाएगा, तो उसको विंटर स्लीप बोलते हैं, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं, याद रखेंगे। बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है ये, दो वर्ड जो हैं बहुत कन्फ्यूजिंग है, इसमें गलत हो जाते हैं क्वेश्चन फिली मिस्टेक में। ठीक है, जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की जब होगा तब क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होंगी, जो गैसेज एक्सचेंज होगी वो स्किन के थ्रू होंगे। मैंने जब बताया ना कि जो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है तो वो हमेशा चलता रहता है, अंडरग्राउंड है तो भी, लैंड पे है तो भी, है ना। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता यार, ठीक है, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, वो पानी एब्जॉर्ब करता है अपने स्किन के थ्रू, यानी सिंपल डिफ्यूजन से पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी की जो नीड होती है वो स्किन के थ्रू ही अपनी वो पूरी करता है, कभी फ्रॉग पानी नहीं पीता, ये याद रखेंगे कि नेवर फ्रॉग नेवर ईट वाटर, समझ गया ना, कि फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है। सो फिलहाल हमारा फ्रॉग में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था हमने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम, यानी इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जब तक आप जुड़े रहे।